नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सा। आंदोलन से उत्साह में कमी आयल रहितो दशमी पूजा पाठ श्रद्धा आ भक्ति पूर्वक भ रहल। प्रत्येक वर्ष जगह पुलिस से सहभागी। प्रहरीक दमन आ सरकार के मौनताक विरोध में जनकपुर में दशमी के बीच युवा सब द्वारा लाश प्रदर्शन। सरकारी वार्ता टोली तमलोपा का अध्यक्ष महंत ठाकुर संग कलक अनौपचारिक वार्ता। बीरगंज नाका नहीं खुलत, भारतीय राजदूत रे के कहब। सरकारी वार्ता टोली में सहभागी नहीं हो बाक नेपाली कांग्रेसक सभापति कोइराला के कहब। आ भारतीय आक्रमक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट से लेलन संन्यास। बुटबल से नेपालगंज दिस जा रहा लू 1 58 28 नंबर की यात्रु वाहक बस मंगल दिन खास खुशमा 8 चप्पर गौरी बाके में दुर्घटना भेला से 6 गोटे के मृत्यु भेल जनाल गेल। दुर्घटना लगते बस में आग लगला के बाद यात्रु सब के जर कर मृत्यु भेल बताओ गेल। सब जर कर चिन्ह वाला अवस्था में नहीं रहला से मृतक सब के नाम ठिकाना पता लाग नहीं सकल पुलिस के कहब। 10 गोटे घायल सब के उद्धार कैल गेल पुलिस जनौलक। दुर्घटना के संपूर्ण विवरण प्राप्त नहीं भेला आ विवरण आब के क्रम जारी रहल। जिला प्रहरी कार्यालय दांग के प्रमुख SP कुबेर कड़ायत जानकारी करौने छथि। आग लाग के कारण एखन धरि खुज नहीं सकल। तीव्र गति में रहल बस सड़क से 25 मीटर दूर जाकर एकटा गाछ में ठक्कर खेने आ तेकरा बाद आग लागल घायल सब बतौलक। बस में करीब 33 गोटे यात्रु सहभागी रहल सवार रहल प्रहरी जनौलक। बस भीतर पेट्रोल भेला से दुर्घटना भेल लगते आग लागल होब सकबाक पुलिस के आशंका। दुर्घटना भेल 2 मिनट में बस में आग लागल छल। घायल लम्ही नगरपालिका वार्ड नंबर 10 देवपुर निवासी कविराज खनाल कहलन। खनाल सहित 5 गोटे घायल सबके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लम्ही में उपचार भ रहल। लम्ही में बुटबल 5 निवासी 45 वर्षीय लम्ही में बुटबल 5 निवासी 45 वर्षीय दधिकला न्यौपाने, हुनक बेटा 22 वर्षीय विजय न्यौपाने, 18 वर्षीय हुनक बेटी सपना न्यौपाने तथा कंचनपुर 1 बांके निवासी 19 वर्षीय प्रकाश मगर के उपचार भ रहल पुलिस जनौलक। अन्य वर्ष सब के अपेक्षा में धनुषा सहित मधेश के जिला सब में विजयादशमी में उत्साह नहीं देखल गेल। यद्यपि पूजा आराधना विधि पूर्वक धूमधाम के संग मनाओल गेल। शहर क्षेत्र में दर्शनालु सब के भारी भीड़ लागल रहितो बाजार में खास से उत्साह नहीं देखल गेल। यद्यपि दर्शन पूजा आराधना सहित भारी मात्रा में सर सजावट कैल गेल। एक रिपोर्ट। तराईक जिला सब में मधेश आंदोलन जारी रहला से आयल विजयादशमी में विगत के वर्ष सब के अपेक्षा उत्साह आ चहल पहल कम देखल गेल। तथा पूजा आराधना सहित शहर क्षेत्रक शक्तिपीठ तथा ग्रामीण क्षेत्र सब में निर्माण कैल जा वाला दुर्गा भवानी की प्रतिमा सर सजावट में कमी नहीं कैल गेल। अपन अपन घर संग प्रतिमा बनाओल गेल स्थान आ शक्तिपीठ सब में जयंती स्थापना क घट स्थापना केलाक बाद खष्टी से मुख्य पूजा आराधना एवं मेला लगाओल जेबाक परंपरा रहल। खष्टी तिथिक दिन तराई के जिला सब में दुर्गा के शक्तिपीठ तथा प्रतिमा बनाओल गेल स्थल सबक लेल आह्वान कैल जायत जकरा बेलनौती समेत कहल जायत। प्रातः भेने सप्तमी के दिन खष्टी तिथि में न्योतार बेल तोड़ कर शक्तिपीठ एवं प्रतिमा तैयार कैल गेल स्थल सब में लाओल जायत। बेलनौती के मतलब होय छे खष्टी तिथि में भगवती के जे छे चंडिका रूप में बेल के वृक्ष में जाकर भगवती के जे छे निमंत्रण करे पड़े छे। वो खष्टी तिथि में होय छे। तकर बाद सप्तमी तिथि के भगवती के जे छे से ओहिठाम सब बेलतोरी कऽ के लाबऽ पड़ै छनि चंडिका के दोला में आजा बाजा के साथ विधिवत हो करे ठाम आबि कऽ स्थापना करे पड़ै छनि। बाद दुर्गा पूजा के जे छे से प्रतिमा सब के प्रतिष्ठा होइ छनि आ पूजन होइ छनि विधिवत। जनकपुर सहित तराई मधेशक जिला सब में प्रतिमा तैयार कऽ के परंपरागत रूप में विजयादशमी मनबैत आयल अछि। सप्तमी तिथि में देवी के आइन लेलाक बाद ग्रामीण क्षेत्र में सप्तमी के दिन आ जनकपुरक राजदेवी मंदिर में अष्टमी तिथिक दिन बलि प्रदान
कैल जात। राजदेवी मंदिर में एक राति में नेपाल में सबसे बेसी बलि प्रदान कैल जात। लगभग 15,000 बोका के बलि प्रदान कैल जात। वही लगले शहरी क्षेत्र में दशमीय के रौनकता में किछ कमी आयल रहित तो ग्रामीण क्षेत्र में अष्टमी नवमी आ दशमिक विशेष मेला लगत। महानवमी के दिन कालरात्रि में निशा पूजा करबाक परंपरा रहल। घट स्थापना में स्थापना कैल गेल जयंती दशमिक दिन काट कर टीक में अपना से नम्हर सब बना कर आशीष लेबाक परंपरा रहल। मंदिर में बलि प्रदान कार्यक्रम रखे बलि प्रदान भेला के बाद खोज भराई कार्यक्रम शुरू रहे जिसमें महिला सब भरि दिन सह के माँ दुर्गा के खोज भरे प्राय दिन 12-1 बजे निशा पूजा कार्यक्रम रहे। निशा पूजा भेला के बाद बिहान भेला से धूमधाम से मेला ठेला ग्राम क्षेत्र में मेला ठेला होबे करे बुझे बुझे बात है तो मेला ठेला करे। मेला ठेला में हमसे विभिन्न किस्म के मनोरंजन कार्यक्रम सब नाच गान या ऑर्केस्ट्रा भेल हमसे एहन कार्यक्रम रखली जैसे मनोरंजन भेल। लास्ट में विजयादशमी दिन हमसे मूर्ति के गाड़ी पर आके सारा नगर परिक्रमा करा के पानी में विसर्जन करा के कार्यक्रम रखने से एना क दशमिक 10 दिन पूजा आराधना समाप्त भेलाक बाद दुर्गा भगवतीक भव्यता पूर्वक विदाई कैल जात। नाच गान आ बाजा गाजा सहित ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिमा भसेलाक बाद विजयादशमी समापन होत। एना क एक दोसर से सुख समृद्धि प्रगति आ सद्भाव के प्रतीक विजयादशमीक लेल तराई मधेसक जिला सब में दशमी समाप्त भेलाक प्राते भेने से सर्वसाधारण दिन तकैत अछि। लंबा विदा सेहो होबय वला आ कामकाज के झंझट से परिवार के जमघट हेबाक अवसर समेत भेला से दशमी समाप्त भेल प्राते भेने से विजयादशमीक इंतजार रहैत अछि। दशमिक सप्तमी तिथि मंगल दिन नेपाली सेना काठमांडू के टूरी खेल में फूलपाती के हर्ष बढ़ाए के नए हनुमान ढोका दरबार स्थित दशई घर में फूलपाती बितरौलाक बाद दोपहर में फूलपाती के अवसर में नेपाली सेना सैनिक मंच टूरी खेल में हर्ष बढ़ाए समारोह के नए समारोह में राष्ट्रपति रामवरण यादव उपराष्ट्रपति परमानंद झा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ व्यवस्थापिका संसदक सभामुख अंसारी घरती के उपस्थिति छल। तेना के उप प्रधानमंत्री विजय कुमार कसदार संवैधानिक न्यायिक इकाई के प्रमुख उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी नेपालक लेल विभिन्न देशक राजदूत सब लगायत के उपस्थिति छल। समारोह में नेपाली सेना द्वारा विभिन्न कला कौशल प्रदर्शन कयल गेल छल। नेपाली सेना प्रत्येक वर्ष फूलपाती के दिन फूलपाती भितराओल गेल अवसर में हर्ष बढ़ाए समारोह करत अछि। एहि बीच हिंदू धर्मावलंबी सब मंगल दिन घर घर में विधिपूर्वक पूजा आराधना करैत फूलपाती भितरौने छथि। जारी रहल मधेस आंदोलन के क्रम में सड़क में आंदोलनरत मधेसी नागरिक ऊपर राज्य पक्ष कहने दमन के विरोध में दशमी के बीच आज जनकपुर में अलग रूप से कार्यक्रम कैल गए। आंदोलन के क्रम में पुलिसक गोली आ राज्य द्वारा कैल गेल आंदोलनकारी सबक विभत्स हत्या आ दमन के क्रम में शहादत प्राप्त कहने सहित सबक चित्रण का विरोध कार्यक्रम कैल गए। मधेस अधिकार संघर्ष समिति मास तथा मधेस मेडिकल सोसाइटी संयुक्त आयोजना में स्थानीय जनक चौक में सड़के में लाश प्रदर्शन का विरोध प्रदर्शन कैल गेल। राज्य के दमन के कारण जारी रहल मधेस आंदोलन के क्रम में 4 दर्जन मधेसी नागरिक शहादत प्राप्त कने रहित तो राज्य पक्ष हुनका सबके अखन धरि सहित घोषणा नहीं कने अवस्था में उक्त लाश प्रदर्शन का विरोध जनाओल गेल। मधेस ऊपर के दमन बंद कर मधेस के अधिकार सुनिश्चित कर राज्य आतंक बंद कर लगायत के नारा सब सहित सांकेतिक रूप में लाश बनाकर सड़के पर प्रदर्शन कैल गेल। 46 गोटे युवा सब सड़के में लाश जका बनकर राज्य पक्ष के दमन के विरोध में उतरल। मासक संयोजक सरोज मिश्र जानकारी दिलन एम्हर राज्य पक्ष के दमन के विरोध में अपना सबक आगामी कार्यक्रम से तय कैल जात। मासक सदस्य सुशील कर्ण बतौलन नेपालिक महान पावन दशमी दियावती आ छठक प्रवाह नहीं करत जारी मधेस आंदोलन संबंध में विचार विमर्श कैल गेल। जनकपुरक समाज विकास पथ के कार्यालय में मंगल दिन भेर विचार विमर्श में सहभागी स्वतंत्र नागरिक समाजक प्रतिनिधि सब आंदोलन के चुनौती आ आगामी कार्यदिशा के विषय में विचार रखने छले त आंदोलन के अखन धरि के स्वरूप के विषय में सेहो समीक्षा कयल गेल छल। विचार विमर्श के मुख्य वक्ता डॉक्टर राम कमल शाह जारी आंदोलन के समीक्षा मात्र नहीं दस्तावेजीकरण अनुसंधानक मांग सब के आधार सेहो ठोस रूप में प्रस्तुत करय पड़बाक बतौलनि।
निकालखिन अखन अहाँ के दस्तावेज के रूप में कम से कम 200 किताब नेपाल में लिखल गेल छै आ बहुत बढ़िया संकलन सब छै आ ओ अहिए नै विश्व में। डॉक्टर शाह सीमांकन पर व्यापक बहस के बाद समायोजन कर सकबा कहत स्वायत्त आ आत्मनिर्भर के अधिकार सहित के स्वायत्त प्रदेश में कोनो समझौता नहीं करा वार्ता में जाय वाला नेता सब संग आग्रह कलन चाहिए मदेश के कि का मतलब काम करे वाला ऐसे नहीं कि गांव वाला जिला जैसे से केंद्र के हाथ में छे आ ये बीच में हवा में उड़ रहल स्टेट से ध्यान नहीं होना चाहिए उस स्वायत्तता में सब चीज तो वही के अब जहाँ तक सीमांकन के बात है तो सीमांकन नेगोशिएबल भ सकैया ओ की हेतै से देखल जेतै लेकिन स्वायत्त प्रदेश होवक चाही जे अंतिम संविधान में लिखाएल छै से बात एकटा बॉटम लाइन भ सकैया। वैशाल में बजैत अधिवक्ता पंकज कर्ण संपूर्ण जनसंख्या में निर्धारित संपूर्ण जनसंख्या के 165 प्रत्यक्ष सीट से भाग दक आयल परिणाम में जनसंख्या बराबर के एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कर प्रभाग बतौलन ताई के बाद अहा के सेंसस फेयर भले छै त टोटल पॉपुलेशन के डिवाइड कर के कंसिक्वेंस जते हम बनाए 165 बनाऊ 200 बनाऊ कोई 15 विवाद नहीं ओते बराबर अहा जे से सीट पर दियौ अइ से कोनो ने भूगोल छूटते आ ने कोनो रिप्रेजेंटेशन छूटते ताई के बाद अहा एक से नहीं त चलू अब अहा कहै छी त कर्णाली के या कोनो खास त 5,000-6,000 जनसंख्या मात्र छै आ जिला बनाए जाय छै त तक कम प्रतिनिधि होय छलफल कार्यक्रमक आयोजक मदेश अभियंता सत्यनारायण शाह आब एहन छलफल मोर्चाक नेता सब संग सेहो कक कार्ययोजना बनाब पहल कयल जेबाक बतौलनि। मधेश आंदोलन के और अगाड़ी बढ़ावा के लेल जे भी बात सब एलै अइ बात के वास्तव में जे हम सब पुनः अयनके जे मधेसी मोर्चा के नेता सबके जिला लेवल पर बजा तक ई बात के फीडबैक देना आवश्यक है कि जैसे आंदोलन सलफल में वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र महतो अधिवक्ता विमल कुमार मिश्र इंजीनियर गंगा प्रसाद शाह सहित अपन अपन मंतव्य रखने छलैत। मधेश आंदोलन के क्रम में साउन 30 गते से जारी बंद आ हड़ताल 2 महीनाक बाद एखनो जारी है। राज्य मधेशक मांग के व्यवस्था करैत आयल अछि पावन त्यौहार आ दैनिक दिनचर्या सब किछु अभाव में मना रहल सर्वसाधारण के अभाव दैनिकी बनि गेल अछि। जनकपुरक सर्वसाधारण सब से पूछने छलहुँ अभाव के बीच दशमी कोना मनाबि रहल छी अहाँक बात जेनाक तेना। समस्या तऽ छैहे बन्द छै तऽ समस्या छै सब चीज बन्द छै सब निकाय बन्द छै सब निकाय बन्द भेलाके बाद तऽ अहाँके समस्या हेबे टा करतै। उत्सुक छी आब जते उत्सुक होबक चाही तऽ तनिए छै के दशैं मनाबैमे अहाँके समस्या तऽ छुटे छै कतेक समस्या भऽ रहल हइ तऽ ई तऽ बुझि जाउ कि छठी दिनसँ जे बन्द हइ तऽ 100% समस्या कहब कतबो दुःखमे एकटा उत्सव करैवला एकटा पूजा करैवला से स्वभावके कारणसँ समस्याके जे साइडमे कऽ कऽ ओतबे धूमधामसँ ईसब दशैंके मना रहल छै ओहिमे अहाँके अपन पूरा उत्साह अप्रे समस्या तऽ एकदम कठिने छै कि नहि लोक कोनो सुख सुविधा नहि पाबि रहल छै नहि जेनाकि गैस भेलै मेन तऽ गैस भेलै नहि चूल्हा नहि बढ़ि रहल छै हँ एहिपर राष्ट्रीय कोनो ध्यान नहि छै मधेश प्रति कोनो ध्यान नहि छै कि ताहि लऽ कऽ ई एकदम संकट कष्टमय छै कि मतलब ई दशैंके ताहि लऽ कऽ हर्षोल्लास जेना जानकी मंदिर देखबै पहिले छली कतेक भीड़ भाड़ करै छलियै नहि एकदम बहुत हइ अपनेके जकरा कहल जा सकै एगो इतिहासमे ई दशैं अमकीके एतेक उदास है ना ई हड़तालके चल वास्तवमे सरकार गंभीर न हइ एतेक 2 महीनासँ बेसी भऽ गेलै है ना आम जनता सब मरि रहल यहाँ भुखमरी हइ सब चीजपर है ना यहाँके विद्यार्थी सब वंचित भऽ गेलै सरकार कनिको एहिपर न सोचि रहल हइ आओर ई बुझू ना कि कुछ आदमीके अपन जिद्दीपनके कारण एना लेकिन ई समस्यामे मूल रूपसँ कहबै तऽ दोषी सरकार छै 66 दिन आन्दोलन चलतै आ कोनो जगहके सरकार ओकरा ध्यान नहि देनाइ एकर मतलब सरकार बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेवला सरकार भेलै ई सरकारके बहुत बड़का दोष छै कि जनताके जे भी दुख तकलीफ भऽ रहल छै एकर सम्पूर्ण दोष सरकारके लेबै निश्चित रूपसँ रौनकता तऽ पहिलेसँ कम छै हालाँकि मधेशमे एकटा चीज अभी की देखल जा रहल छै एहि आन्दोलनके भी लोग उत्सव मना देने छै उत्सवके रूपमे मना रहल छै
तो पहले से आज अहाँ जनकपुर में देख लियो पहले के दशक के समय में तो पूरा लाइटिंग वगैरह इस साल तो नहीं है। खुशी होबे के चाही वही खुशी के अनुपात में नहीं छे ते दुआरे दशहरे तिहार खास कर के उत्साहपूर्वक नहीं मनाए रहल छै लोग विभिन्न समस्या के देख दिक्कत भेल कि हर एक चीज महंगाई भेलै सब जे महंगा 2 रुपया सामान मिल सकै छै अहाँके 10 रुपया सामान भेटे है ना हर एक चीज सब दिक्कत भऽ रहल छै। देश में जारी संकट समाधान के लिए सरकारी वार्ता टोली अपन सक्रियता बढ़ाने उप प्रधानमंत्री एवं परराष्ट्र मंत्री कमल थापा नेतृत्व तो सरकारी वार्ता टोली मंगल दिन तराई में देश लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर संग अनौपचारिक छलफल कल राजधानी के बिजली बाजार स्थित तमलोपा के कार्यालय में भेल छलफल में तमलोपा के नेता सब औपचारिक वार्ता में बैसस आगू सीमांकन लगात कि विषय में सरकार के स्पष्ट धारणा मांग कल ओ सब आंदोलन के क्रम में मृत्यु भेल सबके सहित घोषणा घायल सबके क्षतिपूर्ति निषेधित दंगाग्रस्त क्षेत्र हटाव प्रभाग लगात के मांग यथावत आगू घुसकौने आंदोलन के कारण समग्र जनता पौने पीड़ा में स्वयं सब गंभीर रही तो सरकार के गंभीरता में कोनो चाख नहीं देखौला से वार्ता के सार्थकता अड़क गेल हुनका सबके कहब छलनि। खास सकारात्मक कहले है परिचयात्मक मात्र अब औपचारिक वार्ता तो हामीले भनिहालेम औपचारिक वार्ता में प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही विषयहरुमा स्पष्टता का साथ सत्ता पक्ष आउनु पर्यो त्यो हो भने सीमांकन लगायत का विषय सत्ता पक्ष र तीन दल माथि निर्भर गर्छ हामी स्वयं पीड़ित छौं 66 दिनदेखि तराई मधेस थरवट बन्द छ थरवट त अझ 71 दिनदेखि बन्द छ त्यहाँको पीड़ा अलिक पहिलेदेखि नै हो अब समग्र नेपाली जनताले पीड़ा पाएको केही दिनदेखि त हो त्यसमा चाहिँ हामी त्यो पीड़ामा हाम्रो सहानुभूति छ तर यो निर्भर के छ भने सरकार र तीन दलले कसरी प्रस्तुत हुन्छन्। छलफलमै उप प्रधानमन्त्री थापा सदस्य द्वय बिना विभागीय मन्त्री रामजनम चौधरी असामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा सहभागी सेहो छलथि। रामजनम चौधरी यसै पहिने थारू आन्दोलनकारीके रूपमे आन्दोलनमे छला मधेस आंदोलन के कारण सीमा नाका खोल नै सकलाक कारण कहित भारत लगाउने अघोषित नाकाबंदी के कारण देशे के जनजीवन अस्त व्यस्त बनला के बाद सरकार कमल थापा के संयोजकत्व में वार्ता टोली गठन केने छल। नेपालक लेल भारतीय राजदूत रंजीत रे नेपाली जनता के कारण उत्पन्न परिस्थिति के दोष भारत के देव नै होबाक बताने छथि। उपप्रधान एवं परराष्ट्र मंत्री कमल थापा भारत भ्रमण से घूरल प्राते भेने मंगल दिन राजदूत रे दूतावास में पत्रकार सम्मेलन का ओ आंतरिक राजनीतिक समस्या के कारण सृजना भेल अवस्था के दोष भारत ऊपर देनाई गलत भेल बतौलन। नेपाल में होबय वाला अस्थिरता से भारत प्रत्यक्ष प्रभावित हैत ताहि कारण से समस्या सृजना भेल कहित ओ अपन जनता के ने अवरोध के कारण उत्पन्न परिस्थिति के दोष भारत के देनाई गलत भेल बतौलन। ओ सीमा क्षेत्र में देखल गेल अवरोध नहीं हटत तावत धरि सीमाना का पूर्वत रूप में संचालन होबय नै सकबाक बतौलन। भारत के संबंध मधेश आ संपूर्ण नेपाल में फरक नहीं भेल कहित हो कोनो एकटा समुदाय के मात्र भारत के समर्थन रहल कहिक प्रचारबाजी केनाई गलत रहल बतौलन। जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है तो यहाँ पर आप कह रहे हैं बंद मधेश नहीं किया तो भारत कैसे खुलेगा तो जाना तो ये तो देखिए यही तो मैंने एक इंटरव्यू जो दी थी पहले मैंने कहा था कि आप कोई पेशेंट अगर होता है तो डायग्नोसिस आपको सही करनी पड़ती है अगर आप डायग्नोसिस सही नहीं करेंगे तो फिर इलाज भी सही नहीं होगा तो जो भी इशू है उसका पहले तो आपको रीज़न देखना पड़ेगा ना क्या है कि इशू जो है किस वजह से आया कि जो जो दिक्कतें हैं उनको मिल बैठ कर बातचीत करके उनका समाधान निकालें तो समाधान निकलेगा तो नेपाल देश के लिए अच्छा होगा और भारत नेपाल भारत के लिए अच्छा होगा भारत नेपाल के संबंधों के लिए अच्छा होगा क्योंकि भारत के हित में तो नहीं है कि नेपाल में अस्थिरता आए और ये बिल्कुल एक माहौल ऐसा बने जो अच्छा माहौल ना हो ये तो भारत के हित में नहीं वो केवल मधेसी के साथ नहीं है या पहाड़ी के साथ नहीं है और कि हम एक समुदाय का पक्षपात करते हैं और दूसरे के खिलाफ ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत फहमी है जो भी इस तरह की बात करते हैं वो गलत कहते हैं। हमारा जो रोटी बेटी का संबंध है केवल तराई के साथ नहीं है अगर आप सुदूर पश्चिम में जाएं तो वहाँ भी बहुत घनिष्ठ रोटी बेटी का संबंध है अगर आप पूरब में जाएं तो तापरेजुंग से लेकर और झापा तक रोटी बेटी का संबंध है हमारे सिक्किम के साथ है बंगाल के साथ है नॉर्थ ईस्ट के साथ है
तो ये कहना कि हम एक समुदाय को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे को नहीं कर रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद। अनबन रहेगी तो शांति साहित्य कैसे आएगा, और वो हमें दिख रहा है अभी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, जो भी दिक्कतें हैं, हर देश में दिक्कत आती हैं, खासतौर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि बातचीत करके, निगोसिएशन करके, सलाह मशवरा करके उनको सुलझाएं। तो वही हम कह रहे हैं। हमने तो ये नहीं कहा कि आप ये करिए या वो करिए, ऐसे करिए वैसे करिए, ये तो हमारा काम नहीं है। हमने केवल इतना कहा है ऑफ टेकिंग ओवर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई थिंक दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द इम्पोर्टेंस। सरकार मधेशी समुदाय संग वार्ता के लिए समिति गठन रहितो समस्या समाधान हाथ से बात अनिश्चित है। नेपाल ऊपर अघोषित नाकाबंदी कह का भारत वीरगंज नाका तत्काल नहीं खुलत बतौलक। वीरगंज में रोकल गेल ईंधन के टैंकर अन्य नाका से प्रवेश कराब के उपाय से हो सही नहीं रहल, राजदूत रे बतौलन। विगत किस दिन से रुष्ट भेल महतरी के जलेश्वर स्थित जलेश्वर महादेव अंततः दर्शन देने छथि। जलेश्वरनाथ महादेव के जल गुफा भीतर गत दू बेर जल पूर्ण रूप में फेंक के लिए असफल भेल नेपाली सेना अंततः सफलता पवित सोम दिन गुफा के जल पूर्ण रूप में निकाल कर भक्तजन सब महादेव के दर्शन कर सफल भेल। गुफा के जल 2-3 फीट से बेसी निकल नहीं सकला के कारण करीब 13 फीट गहिर गुफा में शिवलिंग के दर्शन असंभव भेला से मधेश आंदोलन में प्रहरी के दमन तथा भावी जल निकलनाय लगायत के विभिन्न कारण से भगवान रुष्ट भेल आ दर्शन देव इच्छा जाहिर नहीं केने कारण जतेक पानी जतेक जल निकालला के बाद समेत वो दर्शन नहीं देने चर्चा के विषय बनल छल। पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला सरकार गठन के वार्ता टोली में नेपाली कांग्रेस सहभागी नहीं होबाक बतौने छथि। महाराजगंज स्थित निवास में मंगल दिन रिपोर्टर्स क्लब के साक्षात्कार कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक सभापति समेत रहल कोइराला देश में जारी समस्या समाधान के लिए कहित सरकार गठन कर लागल वार्ता टोली में नेपाली कांग्रेस सहभागी नहीं होबाक बतौलन। प्रतिपक्षी दल कहते में स्वयं सब विरोध के लिए विरोध करब रणनीति अवलंबन नहीं करब कहित हो सही आ निक काज के समर्थन आ स्वागत करबाक बतौलन। वार्ता में हमें खदल करने हो रहा गवर्नमेंट लाई गवर्नमेंट का राम्रा कुरा जो तो हमीर हमीर भनी रहे हमीर तो कुछ उठाई नहीं रखा नहीं जिसमें हमीर बाहर बसर विरोध करने विरोध को निर्ती विरोध होते तो अभी कमिटी में बस्ने चाहिए हमीर को गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बना कमिटी हो त्यसमा हामीहरू बाहिरबाट हामीहरूले गर्ने सहयोग हामी गर्छौँ। वार्ता समितिमा काङ्ग्रेसबाट कोही पनि बस्दैन अहिलेसम्म हामीहरूको के गर्नु छैन उसमा मैले उहाँलाई पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि मैले यो कुरा मैले भने उहाँले भन्नुभएको थियो कि अब आइदिनु पऱ्यो भनेर। सभापति कोइराला देशमा जारी आन्तरिक समस्या समाधानको लिए अपन कार्यकालको मन्त्री परिषद आगु घुस्काउने संविधान संशोधनको प्रस्तावको वर्तमान सरकार अगाडि बढावा प्रभाव अड़ान रखलन। मधेश में जारी आंदोलन आवई के मुद्दा के संबोधन करबाक उद्देश्य से अगाड़ी बढ़ाल गेल संविधान संशोधन के प्रस्ताव के अखन के सरकार अगाड़ी बढ़ावा परबाक में कोइराला जोर दिलन। मधेश मधेश का जो रिजनेबल कुरा है अनरिजनेबल कुरा तो कसले रिजनेबल कुरा हमें एक्सेप्ट कर जानु पर्छ। यो अहिले जुन यो मन्त्रीमण्डलबाट पनि पास भइसकेको छ यो अघि मैले भन्छु संविधान संशोधन त्यो चाहिँ संविधान संशोधन अघितिर बढाउनु पर्छ। संविधान जारी भेल 12 दिन पश्चात आश्विन 15 गते बैसल कोइराला नेतृत्वक मन्त्री परिषदको बैसारसँग संविधान संशोधनको निर्णय केने छल। तत्कालीन मन्त्री परिषद बैसारमै संविधान संशोधनको प्रस्ताव एक पक्षीय ढङ्गसँग नेपाली कङ्ग्रेस लौने कहित नेकपा एमालेके दिस मन्त्री बनल सब विरोध केने छल। एम्हर आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा थरुहट संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता कऽ कऽ देशमे देखल गेल समस्या समाधान करबाक उद्देश्यसँ सरकार गठन केने वार्ता टोलीमे नेपाली कङ्ग्रेस सहभागी नै होबाक जनौलक अछि। सरकार काल्हि उप प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाके नेतृत्वमे कानुन मन्त्री अग्नि खरेल सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा आ बिना विभागके मन्त्री रामजनम चौधरी रहल वार्ता टोली गठन केने छथि। सरकारी वार्ता टोलीमे कांग्रेस सहभागिता नै जनाबके निर्णय केने
आनंद प्रसाद ढुंगाना से हो बतौला कैसे। विभिन्न दलक विद्यार्थी संगठन सम्मिलित संयुक्त विद्यार्थी संगठन दशमी दीपावली आ छठ जेहन पर्व में अति आवश्यक सामग्री आपूर्ति सहज कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौल कैसे। संयुक्त विद्यार्थी संगठन मंगल दिन प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ज्ञापन पत्र बुझबैत तत्काल अत्यावश्यक वस्तु सब के सहज आपूर्ति कर ध्यान आकर्षण करौल कैसे। संगठन के प्रतिनिधि सब तत्काल भारत लगौने नाकाबंदी हटाकर आपूर्ति सहज बनाबा पड़वाक बढ़ल कालाबाजारी नियंत्रण करा पड़वाक राष्ट्रीय स्वाभिमान आ सार्वभौम जनता के अधिकार सुरक्षा करे भूपरिवेष्टिक देश के परिवहन अधिकार सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के ध्यान आकर्षण कराबा पड़वाक मांग कल। चुलो देखि सड़क सम्मको दैनिकी चौपट्ट बनेको छ। यद्यपि नेपाली जनताको स्वाभिमान र राष्ट्रिय भावना सम्मान गर्न लायक छ, तर हामी जनताको यो धैर्यताको बाँध टुट्न नदिन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछौँ। त्यसका लागि क मधेस तराई लगायतका देशका विभिन्न क्षेत्र र समुदायमा देखा परेको असन्तुष्टि र अभिव्यक्त न्यायपूर्ण आवाजहरूलाई राजनीतिक संवादको माध्यमबाट यथाशीघ्र हल गरियोस्। ख जनताको कष्टकर दैनिकीलाई सहज बनाउन जारी कूटनैतिक पहलका अलावा वैकल्पिक बाटोबाट तत्काल इन्धन आपूर्तिको ठोस कदम चालियोस्। ग छिमेकी मुलुकबाट अवरोध भएको भूपरिवेष्टित राष्ट्रको पारवाहन अधिकार सुरक्षित गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गरियोस्। विद्यार्थी संगठन के ज्ञापन पत्र बुझेत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अत्यावश्यकीय सामान आपूर्ति में देखल गेल समस्या किछ समय भित्रे समाधान करबाक आश्वासन देलन। भूगोल के कारण नेपाल पहले से एक तरफी पर निर्भर में रहला से संकट पड़ल बेर में तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नहीं भेला से समस्या भेल ओ जवाब देने छला। प्रधानमंत्री ओली नेपाल सार्वभौम सत्ता आ स्वतंत्र राष्ट्र भेलाक अर्थ में स्वाभिमानी नेपाली जनता थिचो मिचो सह नै सकबाक धारणा राख्ने छल। पछि यो अवस्था आएको होइन, पहिलेदेखि यो अवस्था छ। नयाँ सरकारको तर्फबाट म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाल नेपालको रूपमा एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो, त्यस हैसियतमा आफ्नो स्वाभिमानलाई कायम राख्न प्रतिबद्ध छ। यसले त्यो स्वाभिमान कायम राख्छ, सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता पनि कायम राख्छ। कठिनाइहरू आइपरे अब राम्रो होइन, अलिकति कमजोर भन्दा कमजोर हुनुको अर्थ थिचोमिचोमा पर्नु पर्ने अवस्था होइन, आवश्यकता पनि होइन। तर पनि एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि आज जुन न्याय हामी देखिरहेका छौँ त्यो चित्तबुझ्दो बिल्कुलै छैन। यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर नै सरकारले काम गर्छ र हामी निकट भविष्यमै अहिलेका कठिनाइहरू हटाउँछौँ। मधेसवादी दल सबके नाकाबंदी के कारण काठमांडू में दैनिक उपभोग्य वस्तु आ ईंधन के हाहाकार भेलाक बाद जनजीवन कष्टकर बनल। उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति भारत संघ के कूटनीतिक संबंध सुधार के लिए थप पहल कर सरकार के सुझाव देने। मंगल दिन भोर प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में बैसल समिति के बैसार में देश में देखल गेल ईंधन आपूर्ति सहज कर के लिए भारत संघ के कूटनीतिक संबंध सुधार कर थप पहल कर सरकार के सुझाव देलक। उपप्रधान एवं परराष्ट्र मंत्री कमल थापा केने भारत भ्रमण से ईंधन आपूर्ति में सहजता नहीं देखल गल के बाद समिति कूटनीतिक पहल और बढ़ाव सरकार के निर्देशन देने। बैसार से ईंधन अभाव के संकट समाधान के लिए वैकल्पिक मार्ग अवलंबन कर से सरकार के सुझाव देने। भारत भ्रमण र भारत सरकारका पदाधिकारी र नेताहरूसँग नेपालमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने सन्दर्भमा गर्नुभएको कुराकानीको जानकारी बैठकलाई गराउनु भयो। भारतीय नेताहरूसँग भएको उहाँको कुराकानी
र भारतीय नेताहरूले बताउनु भएको अनुसार उहाँ आशावादी नै हुनुभएको कुरा बैठकमा राख्नुभएको छ। त्यस आधारमा भारतसँग थप कूटनीतिक प्रयत्नलाई जारी राख्ने एउटा निर्णय गरिएको छ। दोस्रो वैकल्पिक व्यवस्थाका बारेमा विशेषतः आपूर्तिलाई सहज बनाउने वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बारेमा सरकारले तत्काल ठोस पहल कदमी अगाडि बढाओस् र त्यो व्यवहारमा नै जनताले अनुभूत गर्न पाउने गरी होस् भन्ने बारेमा सरकारसँग अनुरोध गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। तेस्रो मधेस केन्द्रित पार्टीहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले बनाएको वार्ता टोलीले तुरुन्त वार्ताको पहल गरोस्, वार्ता गरोस् र समस्यालाई राजनीतिक सम्बोधन गर्नका निम्ति सफलता प्राप्त हुने गरी वार्ता अगाडि बढाउन सरकारलाई जोड दिने भन्ने पनि निर्णय गरेको छ। वैशाख संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रम बनेबाक सन्दर्भमा सेहो चार सदस्यीय समिति गठन गर्बाक निर्णय कयल गेल छ। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव भर्खर निर्माण भेल संविधान नेपालीकै खुशी बनाउने समय विजयादशमी छ आओर उत्साह थप्ने बतौलकै छ। दशमीको अवसरमै शुभकामना व्यक्त करैत राष्ट्रपति यादव पावनि सब नेपाली समाजकै गहना रहल बतबैत नेपाली सब बीचकै एकता आ सौहार्दताके ई पावनि जोड़त बतौलनि। सोम दिन एक विज्ञप्ति जारी करैत डाक्टर यादव देशकै आर्थिक क्रान्तिकै सजिया लक्ष्यमे पहुँचाब आवश्यक रहल बतौलनि। एम्हर राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव नयाँ संविधान जारी भेल तथा विजयादशमी 2072 के उपलक्ष्य में संशोधित कारागार नियमावली बमोजिम कैदी भुगतान होब बाकी 610 गोटे के आय बाकी कैद के माफी केने मंत्रिपरिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति संविधान के प्रतिकूल नई होब वाला असल चाल चलन भेल पूर्ण प्रसाद धमला सहित वृद्ध आ अशक्त समेत के कैदी माफी केने राष्ट्रपति कार्यालय विज्ञप्ति मार्फत जनौलक। सोम के मंत्रिपरिषद के विचार से 40% कैद भुगतान आ 65 वर्ष उमेर पूरा भेल आधार में कैद मिन्हा करबाक व्यवस्था सहित सजाय माफी मुलतवी परिवर्तन वा कम कार्यविधि 2071 संशोधन केने छल। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री प्रकाश मान सिंह राष्ट्रपति के निर्वाचन में कांग्रेस अपन उम्मीदवारी देबाक बताने छथि। नेपाली कांग्रेस काठमांडू क्षेत्र नंबर 1 मंगल दिन राजधानी में कैने दशैं शुभकामना कार्यक्रम में महामंत्री सिंह प्रधानमंत्री में सहयोग करबाक सब दल संग परामर्श क पार्टी के दिशा राष्ट्रपति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार आगू घुसकाल देबाक बतौलनि। नेपाली कांग्रेस सत्ता प्रेमी नै रहल कहैत ओ प्रजातांत्रिक आ लोकतांत्रिक ढंग से आगू बढ़यवला पार्टी भेल स्पष्ट कयलनि। नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री में देने उम्मीदवारी संबंध में संचारकर्मी सबके जिज्ञासा में महामंत्री सिंह सत्ता मोह के लिए ओहन नै कयल गेल आ उम्मीदवारी से पार्टी में खासे कोनो असर नै पहुँचल दावी कयलनि। ओ राष्ट्रपति में सेहो पार्टी उपयुक्त व्यक्ति के उम्मीदवार बनेबाक बतौलनि। दसैँ अगाडि नै चाहिँ काकिसकेको हो, अब 7 गतेदेखि हाउस चाहिँ व्यवस्थापिका संसद फेरि बस्छ होइन, त्यसमा त अब कुरा त चलिरहेको छ। हामी चाहिँ सुरुमै भनिसकेको भने काङ्ग्रेसले चाहिँ अब अपोजिसनको हैसियतमा चाहिँ रहेर पनि हामी चाहिँ के छ भन्दा एउटा चाहिँ अब उम्मेदवार चाहिँ राम्रो उम्मेदवार अहिलेकोलाई चाहिँ सुहाउनु यो समयमा राष्ट्रपति बन्न लायकको व्यक्तित्वहरू चाहिँ पार्टीभित्र प्रशस्त छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ उभ्याउँछौँ। अब त्यसको लागि अब तयारी अब यो दसैँ लगतै अब चाहिँ वर्किङ कमिटीको बैठक बस्छ, तयारी चाहिँ पुरा रूपमा चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्छ रहन्छ, त्यसपछि जनसङ्ख्याको आधार योभन्दा अगाडि पनि त्यही गरेको। चायपान समारोहमा केन्द्रीय स्तरका नेता कार्यकर्ता पत्रकार स्थानीय लगायतकै उपस्थिति छ। थारू कल्याण कारिणी सभा कार्तिक 8 आ 9 गते राष्ट्रिय भेला करबाक निर्णय कयलक अछि। थारू आन्दोलन के आओर सशक्त रूप से उचाइमे पहुँचाब सोम दिन बैसल सभाक सचिवालय बैसारसँ एहन निर्णय कयल गेल अछि। राष्ट्रिय भेला नवलपरासी के डंडा में हैत सभा जनौलक अछि। भेला में काठमांडू उपत्यका आ तराई के हरेक जिलाक थारू आन्दोलन परिचालन समितिक संयोजक आ कमांडर सब सहभागी हैत बताओल गेल अछि। भेला में लगभग 150 गोटे के सहभागिता रहबाक जनाओल गेल अछि।
सरकार देश में देखल गेल तत्कालीन ईंधन संकट हल कर आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध करा देव चीन समक्ष औपचारिक रूप में अनुरोध कलक। भारतीय नाकाबंदी के कारण पेट्रोलियम पदार्थ देश में नहीं अलाक बाद नहीं सकलाक बाद सरकार विकल्प के रूप में उत्तरी पड़ोसी चीन के सड़क मार्ग से पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध करा देव औपचारिक पत्र पठौने। स्रोतक अनुसार परराष्ट्र मंत्रालय काठमांडू स्थित चीनिया दूतावास के तत्काल के लिए ईंधन उपलब्ध करा देव लिखित आग्रह कने। वाणिज्य अर्थ आ परराष्ट्र मंत्रालयक अधिकारी सब बीच भेल उच्च स्तरीय बैसार के बाद चीन के एहन औपचारिक आग्रह कल गए। नेपाल आयल निगम के एक उच्च अधिकारी ईंधन संकट से देश बहुते समय समस्या से गुजर समस्या से गुजर नहीं सकत कहित चीन समक्ष दीर्घकालीन रूप में पेट्रोलियम पाइपलाइन समझौता कर प्रवाक राय वाणिज्य मंत्रालय के देने। आब एक खेल प्रसंग। भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट से संन्यासक घोषणा कलने। सहवाग मंगल दिन सामाजिक संजाल में जानकारी साझा करते क्रिकेटक हरेक स्वरूप से संन्यास लेने जानकारी कलने। सहवाग इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यासक घोषणा कलने। टीम इंडिया के लिए 104 टेस्ट मैच में 23 शतक आ दूटा ट्रिपल शतक के सहयोग से 8,586 रन आ 251 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय में 8,273 रन बनौने। सहवाग अपन जन्मदिन के 37वां वार्षिक उत्सव पर एहन घोषणा कलने। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। आंदोलन से उत्साह कम भेल रहितो दशमिक पूजा पाठ श्रद्धा आ भक्ति पूर्वक भ रहल प्रत्येक वर्ष जका पुलिस के सेहो सहभागिता। प्रहरीक दमन आ सरकारक मौनताक विरोध में जनकपुर में दशमिक बीच युवा सब द्वारा लाश प्रदर्शन का विरोध। सरकारी वार्ता टोली तमलपाक अध्यक्ष महंत ठाकुर संग कलक अनौपचारिक वार्ता। बीरगंज नाका खोलक संभावना नहीं रहल भारतीय राजदूत रे के कहब। सरकारी वार्ता टोली में सहभागी नहीं होबाक नेपाली कांग्रेसक सभापति कोइराला के कहब। आ भारतीय आक्रमक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट से लेलन संन्यास। अपन न्यूज एखन के लिए लेतबा पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह। नमस्कार।